Welcome students to China Study 24/7. And guys, I am with the analysis of Bank of Maharashtra PO exam which was held today. And अब उस एग्ज़ाम को गाइज ये एग्ज़ाम ऐसे प्री या फिर मेंस ऐसे टाइप में नहीं थे, एक ही एग्ज़ाम इन्होंने ली है और इनकी ऐसे एग्ज़ाम है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होगा पहले और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको एक साल के कोर्स के बाद. तो हम उसके एनालिसिस करते हैं. 200 मार्क की टोटल एग्ज़ाम थी, इसके एनालिसिस करेंगे गाइज हम. सो ओवरऑल एनालिसिस ऐसे कहते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस 50 थे, गुड अटेम्प्ट्स गाइज 35 to 40 होगा क्योंकि मॉडरेट अगर पूछा है तो 35 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 40 या उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो होने ही चाहिए इतने अटेम्प्ट्स. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 50 क्वेश्चंस थे, 25 to 30 एंड मॉडरेट लेवल था. इंग्लिश लैंग्वेज में भी 25 to 30 होने चाहिए, मॉडरेट लेवल था. जनरल अवेयरनेस में गाइज 30 to 40 होने चाहिए अटेम्प्ट्स, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था. लेकिन आगे हम और डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस में कितना परसेंटेज करंट अफेयर्स, कितना परसेंटेज बैंकिंग स्टैटिक जी के पूछा गया था. टोटल जो है आपका जो अटेम्प्ट है आउट ऑफ 200 वो 115 यानी 115 to 140 यानी 140 के बीच होना चाहिए. ठीक है, 115 to 140 इसके बीच में तो 115 के ऊपर ही चाहिए. ठीक है, 140 इज़ अ मैक्सिमम एंड देर वहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 140 के ऊपर भी किए होंगे. लेकिन ऐसी एग्ज़ाम जो होती है ना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए होता है एक साल के लिए, उसके बाद पीओ की पोस्ट मिलती है, तो इसमें गाइज आपको अटेम्प्ट ज़्यादा ही करने होते हैं और एक ही एग्ज़ाम होती है तो आपको अटेम्प्ट अगर ज़्यादा है तो आपके चांसेस बढ़ते हैं इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के लिए. ठीक है, सो हम अभी सब्जेक्ट वाइज देखेंगे. दिस इज रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग डिकोडिंग 5, और ये इसीलिए आपको एनालिसिस ध्यान से देखनी है कि आपकी अभी 20 नवंबर को IBPS मेन आएगी. सो उस मेंस एग्ज़ाम में आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अभी एग्ज़ाम हो गई है ये, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी क्या पूछ रहे रिसेंटली. सो कोडिंग डिकोडिंग जैसे एज यूजुअल उन्होंने पूछा 5 मार्क्स, सिलॉजिज्म पूछा 5 मार्क्स के लिए, मॉडरेट लेवल था. कोडिंग डिकोडिंग तो इजी होता है, लॉजिकल में 5 मॉडरेट लेवल. पजल्स, फ्लोर बेस्ड पजल पूछा ही, सर्कुलर एक पजल पूछा सर्कुलर सेटिंग वाला. 15 क्वेश्चंस यानी 3 पजल्स थे. ठीक है, डेटा सफिशेंसी अगर बात करें तो 5 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के. इनपुट आउटपुट पूछा है 5 क्वेश्चंस और मिसलेनियस फिर रैंकिंग्स, अल्फा न्यूमेरिकल, डिरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस एक्सेट्रा, ऐसे टॉपिक मिला के 10 क्वेश्चंस. तो ओवरऑल लेवल जो है हम इजी कहेंगे इसका रीजनिंग का. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है सीरीज 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन 5, इजी इनइक्वालिटी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है 5 मार्क्स के लिए, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 3 पूछे गए, टेबुलर, पाई, ग्राफ. ठीक है, सो बार ग्राफ पूछा गया तो 15 क्वेश्चंस. डेटा सफिशिएंसी 5 पूछे गए इसमें भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी, और फिर मिसलेनियस अरिथमेटिक के जो टॉपिक थे इससे 15 क्वेश्चंस. तो इसका भी लेवल जो है मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट था. इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग कम्प्रहेंशन 13 मार्क्स के लिए पूछा है, क्लोज टेस्ट 10 मार्क के लिए, डबल फिलर्स पूछे गए 5 मार्क्स, पैरा जम्बल्ड 5. ठीक है, एंड एरर्स 10 मार्क के लिए. देखिए एरर्स में इन्होंने भी इंक्रीज कर दी, कभी 10 मार्क के लिए एरर नहीं पूछी जाती लेकिन पूछी गई है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि IBPS PO मेंस में भी एरर्स 10 मार्क के लिए आएगी. सेंटेंस इंप्रूवमेंट 7 क्वेश्चंस. ठीक है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम सेट किया था ये IBPS ने सेट किया था, तो IBPS मेंस का भी जो एग्ज़ाम है वो भी IBPS ही सेट करने वाली है, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंग्लिश में एक्चुअल क्या रहेगा. तो वही हमारे टॉपिक जो रहते हैं वही रहेंगे, सिर्फ एरर्स का जो वेटेज है वो बढ़ सकता है. ठीक है, जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग के करंट अफेयर्स मिला के 60% पेपर क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं. बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग करंट अफेयर्स अगर हम उसको पकड़ते हैं तो 60% जो क्वेश्चंस थे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आउट ऑफ 50, सो वो उसमें से 60% जो थे वो बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग करंट अफेयर्स थे. स्टडी जी के उन्होंने पूछा 20 मार्क्स के लिए, हेडक्वार्टर्स बैंक के पूछे, टैगलाइन पूछी. मैं जो आने वाला वीडियो है जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस डालूंगा कौन से इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं विथ आंसर्स, तो आपको आइडिया आ जाएगी. इस वीडियो के बाद ही आपको कुछ ही समय के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा. करंट अफेयर्स फिर पूछे 20%. तो ओवरऑल आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगी कि बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. ठीक है, सो थैंक यू गाइज. ये एनालिसिस से एग्ज़ाम एनालिसिस बैंक PO की जो एग्ज़ाम हुई है
बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो आपको अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो किया है तो थैंक यू वेरी मच, कमेंट कीजिए, आपको कुछ सजेशन देना है तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। जो भी लोग स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, ठीक है, तो वो लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आपको जनरल अवेयरनेस की वीडियो में।